सर जय हिंद। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूं आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ये पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है बीए पार्ट वन इंग्लिश, बीएससी पार्ट वन इंग्लिश, बीकॉम पार्ट वन इंग्लिश। जिन्होंने भी कॉम्पोजिशन इंग्लिश लिया है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, और इसकी तैयारी शुरू कर दो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बच नहीं रह गया, बहुत कम समय है, लगभग एक महीने से कम समय रह गया है। तो तैयारी इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, और अपने जो मेन सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्यार करना, बाकी सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना लेकिन ऑनर्स सब्जेक्ट को मेन फोकस में रखना, क्योंकि उसी से आपका रिजल्ट बनेगा ग्रेजुएशन का। तो फिलहाल कंपोजिशन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें पास करना भी ज़रूरी है, अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर दिक्कतें आ जाती है। पार्ट वन का समझेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट टू का भी समझेंगे। तो पार्ट वन का सबसे पहले ख़त्म करते हैं। आपका जो कंपोजिशन, आपने अगर 50 मार्क्स का लिया होगा तो आपका पूरा जो एग्ज़ाम होगा फुल मार्क्स 15 मार्क्स का होगा, एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटे का होगा। ओके, इसमें आपको पढ़ना क्या होगा? इसमें आपको दो ही यूनिट पढ़नी है, पहला है द लिटरेरी हेरिटेज एंड दूसरा है मैक फ्लिकनोए। तो यहाँ पर दोनों यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। जैसे कि पहले यूनिट में टोटल 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो कि हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है, ऑन विद द वर्क जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, गोल्डन डियर रामायण से लिया गया है, और द मंकी पो WW जैकोब्स के द्वारा लिखा गया है, और EF पो ने द पुरलाइनड लेटर लिखा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट वन से। यूनिट टू में आपको मैक फ्लिकनोए के बारे में पढ़ना रहता है, एक तरह का नॉवेल है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इससे क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं, इस टॉपिक को अगर आप छोड़ के जाते हैं ना, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लो, हर साल इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पत्थर की लकीर है, इसको छोड़ के मत जाना, नहीं तो नंबर खराब आ जाएंगे भाई। अब मैं तो कोई दो गेस कर देंगे कि कौन आएगा इस साल, मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये सिलेबस आपका खत्म हो गया, ठीक है। पार्ट टू का सिलेबस आते हैं। पार्ट टू में क्या पढ़ना होता है? बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी का सेम सिलेबस है। यहाँ पर बीए पार्ट टू लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बीए वालों का है, सभी का सेम होता है सिलेबस। देखो क्या होता है, पार्ट टू में भी 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, टोटल 1.5 घंटे के एग्ज़ाम्स होगी, उसमें क्या क्या पढ़ने होंगे, इसमें भी आपको टोटल दो ही यूनिट्स पढ़नी है। पहला यूनिट्स है द न्यू आइकन्स। न्यू आइकन्स में टोटल 4 टॉपिक्स है, आपके चारों टॉपिक्स देख लीजिए, ऑल अबाउट ए डॉग, ठीक है, द थ्री स्ट्रेंजर्स एंड द लास्ट लीफ, ओके, एंड द एलिगेटर्स एंड द जैकल्स, ये 4 टॉपिक्स है पहले यूनिट से। द सेकेंड यूनिट जो है द एनिमल फार्म, तो एनिमल फार्म जो है ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है पार्ट टू में। आपका सिलेबस ख़त्म, इतना ही तो पढ़ना है, और यकीन मानो बहुत कम टॉपिक है। अगर आप 5 घंटा एक दिन में पढ़ लेते हैं सारा सिलेबस ख़त्म, बहुत ही छोटा छोटा स्टोरीज है। और एक बात बताना भूल गया, ये सारे के सारे मैंने पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, ES Point YouTube चैनल उसका नाम है, अगर आप सर्च करते हैं तो मिल जाएगा, नहीं पता चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं उस चैनल पे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टोटल 5-6 वीडियो होगा, 5-6 वीडियो आप 5 घंटे, 5 घंटे छोड़ो 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, और बार बार रिविज़न करना। और सबसे मेन बात यार, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि वीडियो देखना बहुत आसान होता है, वीडियो देख करके चीज़ें समझना बहुत आसान होता है, लेकिन एग्ज़ाम में करना क्या है आपको समझ लिए, लेकिन लिखना है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस घर में नहीं करोगे ना, तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कतें आ जानी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना एग्ज़ाम से 5 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये सिलेबस हुआ, एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझ लेते हैं थोड़ा। एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सिलेबस तो आपने देखा, आप उसी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पुरलाइनेट डेटर मैंने वहाँ पर पढ़ाया था, सिलेबस में दिखाया था, और यहाँ पर वो टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बना है, क्रिटिकली एग्जामिन ए पो द पुरलाइनेट डेटर, मतलब यहाँ पर समरी लिखना है इसका, ओके। तो ये वीडियो मैंने बना रखा है, पढ़ा रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन ने जो वो स्टोरी लिखी है, वो जो नॉवेल लिखी है मैक फ्लिकनोए, उसको फिर आपको सेटायरिस्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है। जॉन ड्राइडन के बारे में यहाँ पर बताना है, और इनके इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, अगेन इसकी भी वीडियोज़ मैंने आपको बना रखी है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और देखो वेटेज कितना है,
एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इसीलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पढ़ के जाना भाई, ओके। एंड ये वाला तो बच्चा वाला खेल है, ठीक है, बाएं हाथ का आपका खेल है, इसकी तैयारी नहीं भी करो तो बात बराबर है, फ्री के नंबर है ये, 20 नंबर फ्री के हैं, लेकिन 20 नंबर सबको मिलता नहीं है। ये इजी तो है लेकिन इजी में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इसको सब कर लेता है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये एक स्टोरी दी रहेगी इतना सारा, ठीक है, ये स्टोरी है। अब इस स्टोरी को अगर आप पढ़ के समझ लेते हैं, आपको रीडिंग हैबिट है अच्छी, तो इस स्टोरी को पढ़ के समझ के इसका छोटा सा 4-5 लाइन में प्रिसाइज करना होता है। प्रिसाइज मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है, इतना बड़ा स्टोरी को आपको 2-4 लाइन में लिखना होता है। पार्ट टू का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है पार्ट टू का, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा डिस्कस एनिमल फार्म एज अ पॉलिटिकल सटायर, तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है और ये एनिमल फार्म नोवेल है, ठीक है, और इसका पॉलिटिकल सटायर जो फॉर्म होता है वो आपको डिस्कस करना है, या फिर ऑप्शन फिर दिया जाएगा, ये नहीं आता है तो उसके बाद और करके देखिए, स्केच द करेक्टर ऑफ नेपोलियन, उसी कहानी में एनिमल फार्म कहानी में एक नेपोलियन होता है खचड़ा, इसी का आपको करेक्टर फिर बताना होगा कि कैसा था, क्या करता था, ये क्या क्या गलती किया, क्या क्या अत्याचार किया, सारी चीज़ें इसके बारे में लिखनी होती है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। देन सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, आपने जो भी कहानियाँ पढ़ी है, पोएम पढ़ी है, वो उससे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि द 3 स्ट्रेंजर्स, द ओपन विंडो, पैकिंग एंड द एलिगेटर एंड द जकाल, ये पैकिंग अभी नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है, सिलेबस अभी आउट ऑफ सिलेबस ही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके रहेंगे एग्जाम में, ओके। थर्ड में रहेगा एसे लिखना रहता है, ठीक है, एसे आपको इस तरह के टॉपिक दिए जाएंगे, बंडर ऑफ साइंस, जो अभी आपका फेवरेट होगा कोई एक उठा लेना और लिख देना उस पर, टेररिज्म, अभी कश्मीरी फाइल्स आपने देखा होगा तो टेररिज्म आपसे थोड़ा सा हूबहू हो गया होगा आपसे, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स आपके रहेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसी पार्ट वन में जो नोवेल था मैक्स लखनऊ, पार्ट टू में जो नोवेल है एनिमल फार्म, दोनों को एकदम मन से पढ़ना, उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऐसी गारंटी हम नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा है, हर साल है और इस साल भी रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा, कुछ दिक्कत आती है तो टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहाँ से मैसेज करो, और क्लासेस तो मैंने करवा ही रखी है पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों की, ठीक है, तो कर सकते हो, उस चैनल का लिंक दे दूंगा, या फिर सर्च करो ES Point YouTube चैनल। आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।